सावन का महीना आते ही चारों ओर भक्ति की अविरल धारा बहने लगती है। साथ ही ये महा प्रकृति के सौंदर्य का महीना माना जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करके वर पाने के लिए ये महा बहुत ही खास होता है। सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस महा मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं और झूला झूलने जैसी अनेकों परंपराएं निभाती है। लेकिन इन परंपराओं के पीछे का महत्व और कारण कुछ ही लोगों को पता होता है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं सावन में मेहंदी लगाने का क्या महत्व है। भारत में मेहंदी लगाने का प्रचलन सदियों से चला रहा है। हर उम्र की महिलाओं को मेहंदी की पत्तियां लुभाती है। देश के लगभग हर प्रदेश में मेहंदी लगाने का रिवाज है। यह पूजन सामग्री के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं मेहंदी को सावन के माह में लगाने की। सावन मेहंदी के बिना अधूरा है। सावन में मेहंदी लगाने को शुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को सौभाग्य प्राप्ति वाले तीज त्योहार और व्रत पर 16 श्रृंगार करना यानी सौभाग्य प्राप्ति की चीजों को धारण करना जरूरी माना गया है। मेहंदी भी महिलाओं की सौभाग्य सामग्रियों में से एक है, इसीलिए श्रावण माह में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस महीने मेहंदी लगाने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। ऐसा कहते हैं कि महिला के हाथ में मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है उतना ही पति का प्यार मिलता है। इसके अलावा मेहंदी लगाने के स्वास्थ्य लाभ भी है। माना जाता है कि सावन के महीने में तेज बारिश होती है जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बन जाता है। ऐसे में इन बीमारियों से बचने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है और इस कारण इसे लगाने से शरीर को ठंडक मिलती है। शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए मेहंदी को पैरों के तलवों में भी लगाया जाता है। मेहंदी न सिर्फ हाथों की खूबसूरती को बढ़ाती है बल्कि तनाव और सिर दर्द की समस्या को भी दूर करती है। साथ ही स्किन संबंधी बीमारी होने पर भी मेहंदी लगाने की सलाह दी जाती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।